नीरज, जब आप थ्रो करने गए तो जो पहला जो थ्रो था उसमें सबसे ज्यादा अपने आप को दे दिया। पहला वाला हमने देखा, दूसरा वाला भी जब हमने आपको देखा, आप हालांकि खुश लग रहे थे, आपको पता था कि शायद आपको मेडल मिल चुका है, लेकिन एग्जॉशन काफी थी आपके चेहरे में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेडल तो मिल, वो मेडल का तो इतने डिस्टेंस में हो जाता है, लेकिन एक मेरा एकदम टारगेट बन गया था कि नहीं अभी गोल्ड हो सकता है और गोल्ड ही लेके जाना है, और उसके लिए मैं अपना पूरा हर थ्रो में कोशिश कर रहा था 100% देने की। तो पहले दो थ्रो तो काफी अच्छे थे, लेकिन बीच में कुछ थ्रो का थोड़ा सीरीज अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुल पहला मिला के सही रहा, जो सब बढ़िया रहा। जो 6 थ्रो हुआ उसके बाद लगभग आपको पता चल गया था कि आपको मेडल मिल गया है। हाँ जब 6 थ्रो के बाद तो पता चल ही जाता है, क्योंकि जब लास्ट वाला थ्रो बचा था तो सबसे लास्ट मेरा ही थ्रो था, और उससे पहले सभी का जो सभी की थ्रो आई थी उनका सभी का नीचे था। तो बिल्कुल मैं जब मेरी लास्ट थ्रो आई तो मुझे पता लग गया था कि हाँ मेरा गोल्ड हो चुका है, उसके बाद एक अलग ही फील हो गई थी एकदम पूरे कंपटीशन की। योनेस वेटर ने कहा था कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। जब आपने उनको चैलेंज दिया तो कैसी महसूस हुई? जी मैंने तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं दिया, क्योंकि मुझे मुझे तो पता ही है कि वो सच में उनकी जो काफी अच्छी एक कंसिस्टेंसी रही है इस साल और पिछले साल, काफी अच्छी थ्रो की है, तो बिल्कुल वो कर सकते थे और उनका बहुत ही एक अच्छा डिस्टेंस था, लेकिन पता नहीं वो शायद उनका दिन नहीं था क्या था, लेकिन फिर भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो जेवलिन जैसे स्पोर्ट्स में उन्होंने इतना इतना ज्यादा उन्होंने अच्छा एक रिजल्ट दिया है। लेकिन पता नहीं अब ओलंपिक में क्या कुछ दिक्कत हुई, पर फिर भी जो भी है उन्होंने बहुत अच्छा किया है नीरज, जेवलिन के लिए।